राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज है कामदा एकादशी, तो कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फूल बंगला कब से लगना शुरू हो जाता है। तो भक्तों, फूल बंगला कामदा जो एकादशी है, जो आज जो एकादशी है, आज से ही शुरू हो जाता है। फूल बंगला लगना शुरू हो जाता है, जो हमारे बिहारी जी हैं फूल बंगले में बैठना शुरू हो जाते हैं कामदा एकादशी पे ही। तो आप भी फूल बंगले में, मतलब ये चलता है 108 दिन तक चलता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को कभी भी फूल बंगले में बिठा सकते हैं। और ये चलता है, हरियाली अमावस्या आती है तब तक चलता है, ये फूल बंगले की जो परंपरा है तब तक चलती है। तो आप सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं हम। तो ये बैठी है हमारी केशवी, और इधर बैठी है राधिका। सब दोनों ने साड़ी पहनी है, केशवी ने और राधिका ने भी। और मैं बिंदी चेंज करना भूल गई हूँ, मेरे को रेड लगानी थी इनकी, मर्जेंटा कर जो पिंक कलर की लगी हुई है। और ये बैठे हैं हमारे कृष्णा। तो भक्तों, जो फूल बंगला है वो हमें अपने लड्डू गोपाल जी को या फिर बिहारी जी को शीतलता प्रदान करने के लिए लगाते हैं फूल, क्योंकि ठंडे होते हैं इसलिए फूल बंगले लगाए जाते हैं। मगर अभी तो थोड़ा मौसम ठंडा है, मगर ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है कि कामदा एकादशी से फूल बंगले लगने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे बिहारी जी है वृंदावन में, वहाँ पे फूल बंगला लगना शुरू हो गया एकादशी से। तो जैसे कि मैंने बताया, आज एकादशी है तो एकादशी पे फूल बंगले लगने शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे तो ओरिजिनल फूलों से फूल बंगले बनाए जाते हैं, डेली फूल बंगला लगता है। अलग अलग हमारे बिहारी जी को फूल बंगले में बिठाया जाता है। तो अब जो हमारे बिहारी जी है, डेली गर्भगृह से बाहर हमारे फूल बंगले में दर्शन देंगे। जो फूल बंगला लगाते हैं वहां पर, तो डेली फूल बंगले में दर्शन देंगे अपने भक्तों को। हमारे बिहारी जी को गर्भगृह से बाहर ले आते हैं और उनको फूलों के बंगले में बिठाया जाता है, और बहुत ही अच्छा सुंदर फूल बंगला लगाते हैं वहां पर। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगले की तैयारी कर लें, अगर है तो निकाल लें, नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगला लेके आएं। और उसके साथ साथ आप ओरिजिनल फूल भी जरूर लेके आएं, क्योंकि खुशबू तो उन्हीं में आएगी। ओरिजिनल फूलों में जो भी आपको फूल मिल जाएं, जितने भी तरह के फूल मिल जाएं, आप वो फूल ला सकते हैं और उनके आसपास फूल रख सकते हैं, या फिर उनको माला भी पहना सकते हैं और अच्छे से थोड़ी सी डेकोरेशन भी करें। तो मैं भी जब फूल बंगला, मैंने छोटा तो मेरा निकला हुआ है, जो बड़ा वाला फूल बंगला निकालूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी, और जिस दिन मैं बिठाऊंगी वो भी आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगी। तो आपको मैं छोटा जो फूल बंगला मेरे पास है वो दिखा देती हूँ, वो कैसा फूल बंगला है। तो एक तो ये छोटा फूल बंगला आता है, आप इस तरीके का लेके आ सकते हैं। तो मैंने अभी, मेरा ये निकला ही हुआ था छोटा, तो मैंने सोचा आप सभी को दिखा दूँ। ये छोटा फूल बंगला इजीली मार्केट में मिल जाता है, और जैसे कि मैंने बताया, आप ओरिजिनल फूल जरूर लेके आए जिस दिन भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को, वैसे डेली बिठा सकते हैं फूल बंगले में, उनको दो चार फूल जरूर चढ़ाएं। माला है तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं, और आसपास जैसे फूल बंगले में थोड़ी सी डेकोरेशन जरूर करें। तो मैं आपको थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ अभी, और जिस दिन मैं लड्डू गोपाल जी को बिठाऊंगी फूल बंगले में, तो सभी के दर्शन भी कराऊंगी सभी के। तो अभी मेरे पास भी थोड़े से ही फूल है, ये गेंदे के ही, तो देखती हूँ मेरे को भी कौन से फूल मिलेंगे। गुलाब के और गेंदे के तो इजीली मिल ही जाते हैं, तो मैं भी जब डेकोरेशन करूंगी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी वो वीडियो। तो आप भी जो भी आपको फूल मिले वो लेके आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे कई तरह के फूल लेके आने हैं, जो भी मिले आप वो जरूर लेके आए। और आप इत्र भी जरूर लेके आए, अगर इत्र नहीं है आपके पास तो आप इत्र भी जरूर लेके आए, वो भी लड्डू गोपाल जी की जो शॉप होती है वहां पे इत्र भी मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के पास फूल जरूर सजाएं, और जैसे भी आपको आते हैं उस तरीके से सजा सकते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताया है, आप लड्डू गोपाल जी को फूल बंगले में इस तरीके से बिठा सकते हैं। तो जैसे कि ये मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी बिठा दिए हैं, और इनके नीचे ये छोटी सी चौकी है उसके ऊपर बिठाया लड्डू गोपाल जी को, ताकि थोड़े लड्डू गोपाल थोड़े ऊंचे हो जाए।
तो आप इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को फूल बंगले में बिठा सकते हैं। तो अब इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे। आप